फाइनली जिस जगह का वेट हो रहा था वो जगह आ गई है। हल्दी घाटी का रणभूमि का क्षेत्र आ चुका है जहाँ की पूरी मिट्टी हल्दी से। तो यहाँ पे है महाराणा प्रताप की घोड़े की समाधि चेतक की इसके अंदर, और यहाँ पे पूरा फिर गार्डन भी बना दिया है। ये इसके बाहर छाया चित्र लगी हुई है महाराणा प्रताप और चेतक की। अभी थोड़े से उधर चलते हैं, ये इधर भी महल है और वहाँ पे उधर वो दुर्ग की दीवारें बनी हुई हैं और ये रहा महल पूरा। देखो ये दुर्ग की दीवारें हैं, अभी तो इनको थोड़ा बहुत और डिजाइन कर दिया है। अभी जा रहे हैं हम ऊपर, शानदार तो है भाई। ये मूर्ति महाराणा प्रताप की और ये रहा, ये देखो पूरा। अभी जा रहे हैं वहाँ से और ज़्यादा ऊपर, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, चारों तक पहाड़ियाँ हैं और जहाँ पे हल्दी घाटी का मेन युद्ध हुआ था वहीं पे। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गार्ड खड़े हुआ है, वहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति और इधर ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ पे है महाराणा प्रताप की घोड़े की समाधि चेतक की इसके अंदर, और यहाँ पे पूरा फिर गार्डन भी बना दिया है इस जगह पे। यहाँ पे चेतक की समाधि है प्रॉपर यहीं पे है। यहाँ पे वो देखो जहाँ पे ये बना हुआ है ना, यहीं पे उनकी समाधि है चेतक की। और ये एक स्तंभ और बना हुआ है, ये पुराने टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे ली थी समाधि। ये देखो भाई लोगों, ऐसे होते हैं बांस। तो अब जा रहे हैं जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध है ना, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था ना, उस स्थान पे जाएंगे। वीडियोस में देखा है कि कैसी है वहाँ की माटी, मतलब हल्दी कलर की, आज रियल में देखेंगे और आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। ये देखो गाइस, पुराने जमाने का पहाड़ जहाँ पे पहाड़ों से इसमें पानी आता था, टनल बनी हुई है और इसके ऊपर अभी जाली लगा दी नहीं। यहाँ पे है रणस्थली हल्दी घाटी, प्रताप जी अनंत सामंत स्थली, साधना स्थली, प्रताप गुफा। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपनी गुफा बनाई थी। ये देखो आगे से इसका इंटीरियर और वहाँ पे वो देखो कितना बढ़िया पानी ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इधर शिवलिंग है और ये देखो बरगद का पेड़, इसके नीचे खतरनाक व्यू है गाइस यहाँ पे। और ये भी देखो बरगद के पेड़ है और ये रही गुफा का रास्ता। और ये कोई संत है उदयगिरी जी महाराज, अभी इसके अंदर चलते हैं। ये देखो, अरे भाई इधर भी संत की फोटो है, उनकी आराधना होती है इधर। इधर हनुमान जी की मूर्ति है पहाड़ के अंदर, इधर गणेश जी की मूर्ति है, अंदर इतनी है बस। और शायद इसको ब्लॉक कर दिया होगा, यहाँ जाने नहीं देते होंगे, लेकिन ये गुफा देख लीजिए आप। जिस जगह का वेट हो रहा था वो जगह आ गई है हल्दी घाटी का रणभूमि का क्षेत्र आ चुका है जहाँ की पूरी मिट्टी हल्दी से रंगी हुई है। और ये देखो ये इसका व्यू है, यहाँ पे ये एक पत्थर भी है। ये देखो हाथ, देखो इसमें, ये देखो पूरा हाथ हल्दी जैसा हो गया। ये है हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र, हल्दी घाटी का मैदान। ये देखो गाइस, ये देखो भाई लोगों, वहां पे ये ऊंचाई है, पर यहाँ पे देखो वहाँ पे युद्ध हुआ होगा और यहाँ तक भी जमीन का रंग जो है वो हल्दी है, मतलब कि देख सकते हो कि कितने सैनिक मरे होंगे तब जाके। तो ये होती है युद्ध की पहचान, वीडियोज में देखा था लेकिन अभी पता चला है कि हाँ रियल में होता है। और ऐसा स्थान भी है, बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है यहाँ। ये देखो लोगों का यह खोदा हुआ है शायद हाथ से, ये देखो पूरा का पूरा जो है हल्दी कलर का ही है। इधर लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और वहां पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है हल्दी घाटी।
और यहाँ पे देखो पूरी कथा लिखी हुई है। स्मृति से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। 18 जून 1876 को इस धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध रण क्षेत्र हल्दीघाटी में हिंदू आसूरी यहाँ पढ़ रहे ना, देखो पूरा का पूरा है। अभी और नीचे जा रहे हैं, पूरा नीचे जा रहे हैं, पूरा का पूरा। ये देखो इधर इधर पूरा लाल रंग है, पूरा लाल रंग है। इधर बीच में हल्दी जैसा, इधर और फिर से लाल। ये इतने दूर का है। अभी और आगे जा रहे हैं गाइस, अभी थोड़ी बहुत मिट्टी ले जा रहे हैं हम अपने साथ थैली के अंदर रख के यहाँ से। अब आठा की देश ना खोर जैसी एक दगड़ उठा छोट की हो। जोर हाँ और टूट जैसी। अभी जा रहे हैं वापस से अपना व्लॉग शूट कर रहा है। उधर वो औरत इसी की कहानी देख रही है। और अभी चाचू पी ली है और हल्दीघाटी से आ चुके हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको वो जो जगह है वो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।